सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। श्रेष्ठ वही है जिनमें दृढ़ता हो जिद नहीं, बहादुरी हो जल्दबाजी नहीं, दया हो कमजोरी नहीं। भाग्य और झूठ के साथ जितने ज्यादा उम्मीद करेंगे वो उतना ही ज्यादा निराश करेगा, लेकिन कर्म और सच पर जितना जोर देंगे वो उम्मीद से सदैव ही ज्यादा रहेगा। सारा करिश्मा मोहब्बत का है, वरना कौन पत्थर की दीवारों को ताजमहल कहता है। आज का पंचांग 2 अक्टूबर 2021, दिन शनिवार, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि, रात्रि 11:10 तक रहेगी। इसके उपरांत द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। अश्लेषा नामक नक्षत्र रात्रि 3:35 तक रहेगी। इसके उपरांत मघा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 9:19 से 10:46 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:52 से 12:39 तक रहेगा। आज चंद्रमा कर्क राशि पर सुबह 3:35 तक रहेगी। इसके उपरांत सिंह राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कन्या राशि पर रहेंगे। मेरे राशि 2 अक्टूबर 2021, दिन शनिवार। आज का दिन घटनाओं से भरा रहेगा और आपको किसी अप्रत्याशित घटना के लिए तैयार रहना है। आपको कई दिशाओं में सक्रिय रहना पड़ेगा, लेकिन सकारात्मक बने रहेंगे। अपने ऊर्जा एवं वास्तविकता से परिपूर्ण सार्थक योजनाएं पेश करेंगे, अपनों को भी इनमें शामिल करें। आज किसी खास व्यक्ति से मुलाकात होगी। रिश्तेदारों और पड़ोसियों के साथ संबंध अच्छे बने रहेंगे। कोई ईश्वरीय शक्ति का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो रहा है। आपकी कार्य कुशलता व दक्षता की सराहना होगी। रचनात्मक कामों में भी समय बीतेगा। अपने काम की गति बढ़ाने की कोशिश करनी होगी। जिम्मेदारी को ठीक से निभाने की कोशिश करें। तुरंत प्राप्त होने वाली खुशी से दूर रहें और बड़े फायदे पर नजर टिकाए रखें। काम से संबंधित सतर्कता बनाए रखें। आपको काम के जरिए नाम और पैसा दोनों ही आसानी से मिलेंगे। रिलेशनशिप से संबंधित कामों में हड़बड़ी बिल्कुल ना करें। जिस व्यक्ति के लिए आकर्षण महसूस कर रहे हैं वह भविष्य में पूरी तरह से मिट सकता है। पेट दर्द और अपचय तकलीफ दायक होगा। सावधानियां, घर के किसी सदस्य के वैवाहिक जीवन को लेकर कुछ परेशानी उत्पन्न हो सकती है, जिसकी वजह से परिवार में कुछ तनाव रहेगा। नकारात्मक वातावरण की वजह से अभी इनकम के साधनों में सुधार की उम्मीद नहीं है। बात करते हैं लव लाइफ की। आपकी व्यवस्था की वजह से जीवन साथी का परिवार की देखभाल के प्रति पूरा सहयोग रहेगा। प्रेम संबंधों में अपनी हद में रहेंगे। अगर आप बहुत अच्छा संबंध बनाए रखना चाहते हैं तो यह बहुत जरूरी है कि आप अपने अहंकार को छोड़ दें। आपकी तंग सोच और अहंकार से आपके पारिवारिक जीवन में कई परेशानियां आ सकती है। अगर आप छोटे विवादों को बड़ी समस्याओं में तब्दील नहीं होने देना चाहते तो अभी संभल जाएं। जो मामला अभी चल रहा है उसे अपने से अलग नजरिए से देखने की कोशिश करें। बात करते हैं करियर की। आप एक किसी ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे जो आपको एक आकर्षक करियर के अवसर प्रदान करेगा। हालांकि इसे स्वीकार करने से पहले परिणाम के बारे में लंबा और कठिन सोचने की जरूरत है, क्योंकि सब चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। ये आपके आसपास के लोगों को प्रभावित करेगा। ये दिन इस तरह के एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए उतना अच्छा नहीं है। इस समय मेहनत ज्यादा और उसके नतीजे कम मिलेंगे, इसलिए धैर्य रखने का वक्त है। इस दौरान अपने काम के तरीके में बदलाव लाने पर विचार करें, जो कि भविष्य के लिए फायदेमंद रहेगा। बात करते हैं सेहत की। अपने अंदर ऊर्जा व आत्मबल की कमी महसूस करेंगे। प्रकृति के निकट रहना आपको स्फूर्ति प्रदान करेगा। आपकी सेहत आज बहुत अच्छी है और इसे अच्छी बनाए रखने के लिए आपको हर रोज सुबह
हल्की फुल्की एक्सरसाइज करने की आदत डालनी होगी। आज इसकी तरफ पहला कदम बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा दिन है। आप शाम तक दांत में दर्द महसूस कर सकते हैं। अपनी अच्छी सेहत को बनाए रखने के लिए आपको अपने खाने का पैटर्न तुरंत ही बदलना होगा। आज का उपाय, आज आप पीपल के पेड़ के समक्ष घी का दीपक जलाएं, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।